गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मल्होत्रा व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है मल्होत्रा व्लॉग्स में। तो भाई लोगों, आज के दिन की शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं भैया? दिल्ली कुड़गांव घर से ही कर रहे हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग की जो शुरुआत थी वो ब्लू वाटर पार्क से हुई थी, मतलब ब्लू वाटर थीम पार्क से हुई थी। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं धन्नो के टायर चेंज कराना। धन्नो के टायर इसलिए चेंज कराना, पिछले एक डेढ़ महीने से धन्नो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से एक टायर फट गया था। स्टेपनी लगा के चला रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो आज टायर चेंज कराने का दिन है। तो आज कौन सा टायर लगा रहा हूँ? मैंने बहुत सारा टायर रिसर्च किया था कि कौन सा टायर लगवाना चाहिए, इंडियन रोड्स के लिए कौन से अच्छे होते हैं। तो उनमें से एक टायर है ब्रिजस्टोन, और दूसरा था आपका योकोहामा या फिर MRF। ये तीन टायर है, देखते हैं कौन से लगवाते हैं। और मैं शॉप वाले से ही पूछता हूँ कि भैया कौन से बेटर होंगे इंडियन रोड के लिए। तो चलो चलते हैं और वो कहते हैं। और हाँ, नमस्कार, वनकम, सत श्रीकाल, कैसे हैं मेरे जिगर के तारों? तो चलो भाई लोग, धन्नो में चलते हैं, खाना ले लिया। वैसे आज फास्ट था मेरा, और लेकिन मदर बोला कि भैया तुम्हारा खाना बना हुआ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो आज फास्ट ही रखो तुम। तो बोला कि अब कोई फास्ट नहीं रखना, चलो मिलते हैं गाड़ी में। भाई लोगों, धन्नो भी प्रॉब्लम कर दिया, तस्वीर का था पंचर हो गया है, लेकिन नहीं को हवा डलवाई, आज चेंज तो करवा के रहना है कि नहीं? और मौसम तक कड़ा हो रहा ना, रात भर बारिश होती रही थी गाँव में, जो और टोल में बहुत सारा जाम लग गया। सुबह से पड़ रहा हूँ, टोल में बहुत जाम लग गया था। टोल का ही पंगा चल रहा है कि पीछे हटाओ पीछे हटाओ, हटा नहीं रहा, ढीट पड़ रहा है। गवर्नमेंट कुछ ही कर रही है इसके लिए। टोल के चक्कर में ना पिछले 20 मिनट से एक ही जगह पे घूम रहे थे, और अभी क्या है कि कहते हैं अभी हमने 20 मिनट बाद सोचा चलो यार, जब सब सारे से देख लिया कि बंद ही है, कोई कहीं से जा नहीं सकते हैं, तो क्या किया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला रोड लिया है अभी। तो अभी वहीं से जा रहे हैं, और यहाँ पे रेड लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है और रोड बहुत ख़राब है यहाँ की भी। बीच बीच में ऐसे ऐसे गड्ढे आते हैं ना, पूछो मत। तो चलो यार, क्या कह सकते हैं यार, झगड़ा पता नहीं कब ख़त्म होगा यार, कब वो रोड खुलेगी। बहुत सारे लोग परेशान है, मैं नहीं, कम से कम 1,00,000 आदमी परेशान है जो डेली अप डाउन करता है उस जगह से। तो यार कुछ कर दो यार, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। टायर दिक्कत दे रहा है, देख लो कितनी दिक्कत दे रहा है, इसकी वजह से चेंज कराना ही पड़ रहा है, क्योंकि अभी फिर हवा बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इतना पंगा, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना कि पूछो मत यार। मतलब कि हार्डली 1 घंटे बाद फिर हवा डलवानी पड़ रही है। वही बोलते हैं भाई, हवा डाल रहा है बाहर, पहले दूसरी गाड़ी में डालेगा फिर मेरी गाड़ी डालेगा। तो अभी पहले जाएंगे हम ऑफिस, उसके बाद हम जाएंगे टायर चेंज कराने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कहाँ, ऑफिस पहुँच गए, और अभी ऑफिस का थोड़ा काम उठाते हैं, उसके बाद जाएंगे टायर चेंज कराने के लिए। यूँ गया आगे ना झट से, चलो चलते हैं टायर चेंज करा के आते हैं, क्योंकि ऑफिस, फिर ऑफिस भी जल्दी जाना है, और उसके बाद फिर घर को भी जाना है। तो चलो फटाफट टायर चेंज करके आते हैं। टायर चेंज कराने के लिए टायर दुकान पे आ गया हूँ। दो चार दुकानें घूमा था और ऑनलाइन भी देखा था। तो जो टायर मेरे को समझ में आया वो है ब्रिजस्टोन का इकोफिया करके भी टायर आता है, ब्रिजस्टोन इकोफिया, ECOPI है, ओपिया। ये जो टायर है ये 175/60 वाला जो टायर होता है साइज़ का, वो टायर लगवा रहा हूँ मैं, क्योंकि 40 में वही लगता है। एक बंदा बोल रहा था बड़ा लगवा रहा, तो बड़ा लगवा के कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बैलेंसिंग बिगड़ जाती है गाड़ी की, गाड़ी की प्रॉब्लम बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं जो टायर गाड़ी में लगाओ वही साइज़ का टायर लगवाना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। और बाकी मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं टायर के मामले में। और सबसे बड़ी बात है, जो मुझे डील मिली है वो 4600 रुपये का एक टायर दे रहे हैं ये लोग। सारा अलाइनमेंट करके देंगे, नाइट्रोजन डाल कर देंगे, बैलेंसिंग करके देंगे, सब कुछ करके देंगे। ये 4600 रुपये में एक टायर मिला है। और जहाँ मैं करा रहा हूँ वो दुकान का नाम क्या है, टायर स्मिथ करके नाम है, और वैसे स्टील व्हील करके नाम से फेमस है ये जगह। ये गुड़गांव में सेक्टर 52 के पास है। तो यहाँ बहुत सारे टायर की दुकान है, ये भी इसमें दुकान थी। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, पहले टायर चेंज करते हैं, व्हील अलाइनमेंट कराते हैं, ऑफिस जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा। भाई साहब पूरी चारों पहिए उतर गए, और मैं आप लोग को वाला टायर दिखाता हूँ जिसमें कहते हैं जो फट गया था रस्ते में। ये सोचो कि कहते हैं जब फटा था वो घर पर खड़ी हुई थी, मतलब कि मैं चला के रहता था, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन जब मैंने खड़ी कर दी सुबह देखा मॉर्निंग में तो वो फटा हुआ था। तो चलो देखो ये टायर। टायर तो देख ही लेगा कैसे फट गया था,
सोच लो अगर रास्ते में कहीं फट जाता तो बहुत दिक्कत होती है। लोगो टायर तो चेंज करा ना, तो भाई बोला नोजल जरूर चेंज करा लो अगर महंगा टायर लगा रहे। क्यों? तो नोजल एक है आपकी डेट कितने की? एक है सर 250 रुपये की। हाँ 250 रुपये की मिशलिन की है। मिशलिन की है और एक नॉर्मल है सर, उसी को गारंटी नहीं होता है। वो पड़ेगा सर आपको 150 रुपये। अच्छा एक मिशलिन की है जो 250 रुपये की है जिसकी 6 महीने गारंटी दे रहा भाई, और एक की गारंटी दे रहा है कोई गारंटी नहीं है, वो है 50 रुपये की। वो 50 रुपये की है। मुझे एक बहुत बढ़िया बात बता रहा है, अगर आपको टायर लंबा चलाना है तो हर 5000 किलोमीटर पे आगे पीछे कराने। अच्छा टायर रोटेट कराने। ये इनका कहने का मतलब है अगर हर 5000 किलोमीटर में आप अलाइनमेंट कराओ, बैलेंसिंग कराओ, कराते हो तो फिर पीछे वाला टायर आगे करवा लो, आगे वाला टायर पीछे, आपकी 10 से 20 हज़ार किलोमीटर की गाड़ी बढ़ जाती है और आप 1,00,000 किलोमीटर तक टायर चला सकते हो। जो मैंने लिया ब्रिजस्टोन इकोफिया, ब्रिजस्टोन इकोफिया। और अगर टायर की पहचान करनी होगी कौन सा टायर लेना चाहिए तो कैसे बचाना चाहिए? पहली बार स्टिकर मारका होना चाहिए, जो जेन्युइन चीज़ होगा ना ये मारका आपको मिलेगा। अच्छा ये वाला? अच्छा जेन्युइन चीज़। अच्छा बाकी गिरे मार्केट में मार भी उस पर नहीं मिलेगा। अच्छा okay. तो भाई टायर बचाने का एक तो आपको मार्का बता दिया कि मार्कर होना चाहिए वहाँ पे जो कंपनी का होता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि आपको आओ डेट जरूर चेक करो, डेट ईयर मतलब ईयर, एक वीक लिखा था और ईयर लिखा होता है। और वो कैसे लिखा होता है मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप लोग, ये लिखा हुआ 31-19, ये 31st जो है ये यहाँ पे भी आपको है, ये वीक होता है 31वां हफ्ता हो गया आपका और 2019 हो गया, तो ये आप जरूर देख के लो। अब वैसे मैं पुराना टायर दिखाता हूँ आपको, इसी ये लिखा हुआ है 24-17, मतलब कि 24 वीक हो गया और 2017 इसका वीक और ईयर होता है, मतलब जो चार्ट होते हैं उसका पहला जो दो नंबर होता है वो वीक होता है और लास्ट दो वीक जो नंबर होते हैं वो ईयर के होते हैं, तो ये जरूर देख के लेना आप। और आपका टायर का साइज़ जो वो जरूर है, मेरा 175/65 था तो मैंने वही देख के लिया है। मैं दिखाता हूँ कैसा होता है, ये रहा मेरा पुराना टायर का नंबर 175/65 R14, और ये रहा नया वाला देखो है 175/65 R14, ये हर टायर का नंबर होता है, क्यों अलग अलग इंच के नंबर होते हैं। जैसे मैंने अभी इसका दिखाया और इसका देखा, इन सब में भी लिखा हुआ है और टायर पे भी, मतलब कि वो जो कैसे क्या बोलते हैं गाड़ के लिखा हुआ है, तो वो घोल करके जो रबड़ हल्का से बाहर निकलता है वैसे भी उस पर भी लिखते हैं, वो मोहर की तरह होता है कि वो बिगड़ता नहीं है, चाहे इतना हमारी टायर चल जाए। वो रेड लाइट हो गया तो सोचा व्लॉग कर लेता हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब कि टायर चेंज करवा लिए हैं, एक टायर उनके पास पुराना था तो मैंने लगवाया नहीं है, वो मैं कल लगवा लूँगा, उनसे आके बात कराया, पैसे दिए हैं, सब कुछ कराया हूँ, अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट होगी, बैलेंसिंग होगी, टायर नए लग चुके हैं, तो गाड़ी अब चल रही है झगास की तरह। तो चलो मिलते हैं अब सीधा शाम को, शाम को जहाँ पे जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे, कहीं भी मत जाना इधर उधर, ठीक है? ब्लॉग देखते रहो। अभी ऑफिस से निकल गया हूँ, अभी जा रहा हूँ सीमा को लेने के लिए, और फिर जाऊँगा घर घर जाके आपसे बात करता हूँ कि कितने का टायर पड़ा है। वैसे मैंने बता दिया होगा लेकिन फिर से एक बार डिटेल में पूरा बताता हूँ आपको कितने का टायर पड़ा है। तो चलो चलते हैं, फिर उसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि जाम बहुत लग रहा है, जैसे मैंने सुबह बताया, क्योंकि आते और जाते होगा दोनों टाइम जाम मिल रहा है। कहाँ पर? खिड़की दोला एक्सटेंशन टोल पे, खिड़की दोला टोल पे, सॉरी एक्सटेंशन ये खिड़की दोला टोल जो द्वारका एक्सप्रेस पे जो को जोड़ता है वही वाली बात है जाम। चलो चलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आज की सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत रेयर होता है कि सीमा वेट करे, वैसे तो मैं ही वेट करता हूँ और आज इसने भी वेट किया मेरा। कितने देर वेट किया तुमने मेरा? 10 मिनट वेट किया इसने मेरा आज, मतलब कि ये बहुत रेयर होता है। बीबिया भी वेट करती हैं देख लो। भाई लोगों घर पहुंच गए, घर पहुंचने वैसे वादा किया था मैं टायर के बारे में कुछ और बताऊंगा, तो वो बताता हूं आपको। टायर मैंने पहले कौन सा लगवाया, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी कि योकोहामा लगाऊं, ब्रिजस्टोन लगाऊं, MRF लगाऊं, अपोलो लगाऊं, कौन सा लगाऊं, तो मैंने सारी रिसर्च करी, उसमें मुझे ब्रिजस्टोन अच्छा लगा इंडियन रोड्स के लिए, और काफ़ी कॉस्टली भी था, अगर आप देखोगे हो सकता है आपको 100-200 रुपये ऊपर नीचे मिल जाए। मुझे जो टायर पड़ा वो 4600 रुपीज़ का एक टायर पड़ा, मुझे चारों चेंज करने थे तो करीबन वो 18400 रुपये के पड़े, हो सकता है 200-400 रुपये कम पड़ जाए, ये अलग अलग दुकान पर अलग अलग डील हो सकती है। जो मुझे डील मिली इसमें उसने मुझे क्या क्या हिसाब में दिया, साथ में दिया उसने, इसमें मुझे साथ में दिया कि वो मुझे अलाइनमेंट करके दिया, बैलेंसिंग करके दिया, और उसमें जो एयर प्रेशर था वो डाल के दिया। सबसे अहम बात जो
कोई भी आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताएगा, वो ये है कि इसमें जब आप टायर चेंज करते हो ना तो आपके वॉल्व भी चेंज होते हैं, वो जब आप चेंज कराने के लिए पूछोगे ना तो वो तब नहीं बताएगा, जब आप उतरवा लेगा आपका टायर सब कुछ करेगा तब बताएगा, भैया ये देखो कटा हुआ है, ये वॉल्व भी लगाना पड़ेगा। दो तरह के वॉल्व आते हैं, एक वॉल्व होता है जिसकी गारंटी होती 50 रुपये, जैसे वीडियो में पीछे देखा होगा आपने, और एक होता है आवाज़ आ रही पीछे से बहुत, इसको इग्नोर मार रहा है क्योंकि आसी पड़ोसी भी आवाज़ आती है, बच्चे कहीं पर खेलते नीचे तो आवाज़ आती है, थोड़ा सारा बिल्डिंग में काम भी चल रहा है तो उसको भी आवाज़ आ सकती है, थोड़ा सा इग्नोर मारना है इसको। तो मैं बता रहा था कि वो 50 रुपये का पड़ता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती वॉल्व की, और एक होता है 250 रुपये का जो किसी भी कंपनी ना, जैसे मिशलिन सबसे अच्छे, तो मिशलिन को समझो, बोला मिशलिन का है ये वॉल्व आप लगा लो, तो ये सब चलता रहता है। तो आप इसी का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप लगवाएं तो उससे पहले पूछ लें भैया वॉल्व लगाओगे साथ में कि नहीं, ये अलग से पैसे लोगे उसके, ठीक है, जब भी आप नए टायर लगवाते हो। तो भाई लोगों जो भी डिटेल मैंने दी है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो मैंने अपने एंड पे देखा और जो मैंने डाला, जो मेरा एक्सपीरियंस किया था मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया। टोटल जो मेरे से उसने पैसे लिए वो लिए 19,000 रुपये, मतलब वॉल्व के साथ 600 रुपये वॉल्व के लिए, चारों में चेंज किया उसने। तो ये आप पहले बात कर लेना वॉल्व के बारे में, तो वो बाद में अक्सर चार्ज करते हैं, अगर पहले डील में बात कर लो तो अच्छा रहेगा, आपको सस्ता पड़ सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो क्या करना भाई, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, कमेंट बता दो कि भैया आपको कोई डाउट है, किसी और टायर का प्राइस पूछा, क्योंकि मैंने काफी सारे टायर की रिसर्च की थी तब जाके मैं लेने गया था। तो आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ अच्छा लिखना है वो भी लिख सकते हो, कुछ बुरा लिखना है वो भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, वहाँ पर डिपेंड करता है आप कैसे हो। तो लाइक करते हैं इस वीडियो को, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब किया मत जाना क्योंकि सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा है, रेड बटन का दबा दो यार, उसके साथ बेल आइकन आकर दबाओ, ऑल ओकेशन और सम टाइम, तो ऑल में क्लिक करके ओके करना है, क्योंकि अब जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, इसीलिए बेल आइकन दबाना जरूरी होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।